23 साल की बहू को हुआ अपने 55 साल के ससुर से प्यार, फिर हुआ मौत का खूनी खेल। ससुर की गर्दन काटकर अलग डाल दी जाती है और धड़ अलग हो जाता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या कहानी हुई थी जो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया गया? पूरे मामले की जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़, राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पढ़ने वाले बदहोली में। दोस्तों, यहां पर एक 55 साल का विष्णु नामक व्यक्ति रहता है, उसके परिवार की कहानी है। दोस्तों, बिल्कुल हकीकत की कहानी है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी छुपाव नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी इसमें बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं कही गई है। तो दोस्तों, होता क्या है, विष्णु के परिवार में उसके दो लड़के होते हैं और दोनों लड़कों की 3 साल पहले शादी हो जाती है। परिवार में कुल मिलाकर 2 लड़के, 2 लड़कों की बहू और एक उसकी घरवाली और एक खुद विष्णु, यानी कि 6 लोग परिवार में होते हैं। दोनों लड़के कामकाज की वजह से बाहर चले जाते हैं, मुंबई काम करने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, लड़के मुंबई पहुंच जाते हैं। बाद में जो पिता होता है विष्णु, उसकी जो छोटी बहू होती है यानी कि छोटे लड़के की बहू, उन दोनों में आपस में प्यार गहराने लगता, आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, धीरे धीरे बातचीत प्यार में बदल जाती है और एक दूसरे से वो दोनों प्यार करने लगते हैं। 23 साल की बहू और 55 साल का ससुर दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी दिन बीत जाते हैं, घर वालों को कानों कानों इसकी खबर नहीं लगती है कि ससुर और बहू आपस में प्यार कर रहे हैं, क्योंकि घर का मामला होता है, घर में ही मिलन जुलन होता है, बाहर से कभी आना जाना नहीं होता, तो घर वालों को भी नहीं पता चलता। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि ससुर और बहू दोनों आपस में मिल रहे होते हैं, वहीं पर उसकी सास यानी खुद विष्णु की पत्नी वहां पर पहुंच जाती है। दोस्तों, विष्णु की पत्नी ऐसी हालत में देखकर एकदम चौंक जाती है और सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और कहने लगती है, आप क्या कर रहे हो, ये आपके बेटी की समान है, आपकी जैसे समझो कि आपके एक बेटा ना हो एक बेटी है, तो आप अपनी बेटी के साथ में क्या कर रहे हो। दोस्तों, विष्णु कहाँ मानने वाला था, ना ही उसकी जो बहू थी 23 साल की वो भी नहीं मानने वाली थी, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, एक दूसरे की चाहत उन दोनों में हो चुकी थी, एक दूसरे के अट्रैक्शन उन दोनों में हो चुका था, वो एक दूसरे के साथ लगाव था। दोस्तों, लड़ाई होने के बाद फिर काफ़ी दिन बीत जाते हैं, लेकिन विष्णु और बहू नहीं मानने वाले होते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि उसकी जो बड़ी वाली बहू होती है यानी कि बड़े लड़के की बहू और उसकी खुद की वाइफ, दोनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं कि इस छोटी वाली बहू को मायके भेज दिया जाए, तब जाकर कुछ ऐसा इस पर अंकुश लग सकता है। दोस्तों, ससुर को नहीं पता होता है, ससुर के बिना पते दोनों सास बहू छोटी वाली बहू को मायके भेज देती है, मायके चली जाती है। लेकिन विष्णु जब घर आता है, विष्णु को पता चलता है, तो विष्णु लाल पीला हो जाता है और एकदम दोनों पर गर्म हो जाता है, बड़ी वाली बहू पर भी गर्म हो जाता है और अपनी खुद की पत्नी पर भी गर्म हो जाता है। दोनों के साथ काफ़ी देर तक खींचातानी होती है, माहौल यहाँ तक गर्म हो जाता है कि विष्णु अपनी बड़ी वाली बहू को और अपनी पत्नी को घर से बाहर भगा देता है। दोस्तों, उसे घर से बाहर निकालने के बाद वो दोनों बेचारी जाएं तो जाएं कहाँ, पड़ोस में ही एक घर खाली था, उस घर में वो रहने लगती हैं। दोस्तों, विष्णु यहाँ पर नहीं रुकता, वो अपनी छोटी वाली बहू के मायके पहुँच जाता है जहाँ पर वो रह रही थी, वहीं पहुँच कर छोटी वाली बहू को वापस अपने साथ ले आता है। दोस्तों, लाने के बाद जब वो घर आता है तो उसकी बड़ी वाली बहू और उसकी खुद की पत्नी को भी पता चल जाता है कि वो छोटी वाली बहू को लेकर घर आ गया है। दोस्तों, रात भर वो इंतज़ार करते हैं, अगली सुबह जैसे ही होती है वो दोनों उसके घर के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं। सामने बड़ी वाली बहू होती है, पीछे उसकी खुद की पत्नी होती है। दोस्तों, दरवाज़ा खटखटाया जाता है, दरवाज़ा खटखटाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा विष्णु खोलता है तो बड़ी वाली बहू सामने से विष्णु को धक्का मार देती है, यानी अपने ससुर को धक्का मार देती है, ससुर जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, वहीं पर विष्णु की खुद की पत्नी एकदम से आती है और उसकी छाती पर बैठ जाती है, छाती पर बैठकर उसके हाथ में गड़ासा होता है और गड़ासे से उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर देती है।
धड़ को शरीर से अलग कर दिया जाता है, गर्दन एक तरफ हो जाती है और धड़ एक तरफ हो जाता है। दोस्तों विष्णु की मौत हो जाती है, वहीं पीछे उनकी छोटी बहू ये सारा कारनामा देख रही होती है। तो दोस्तों बड़ी बहू और सास दोनों घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाती हैं। दोस्तों छोटी बहू पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन जाकर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करा देती है। दोस्तों पुलिस आ जाती है, पुलिस दोनों को पकड़ लेती है और हिरासत में डाल देती है। तो दोस्तों आपने देखा एक ससुर बहू के नाते को किस तरह से तार तार किया गया। यहाँ पर एक ससुर जो कि पिता के समान होता है, सास जो कि माँ के समान होती है, एक बहू जो अपना घर बार छोड़कर आती है, वो अपने पति के पीछे आती है लेकिन अपने ससुराल में आकर वो अपने ससुर को अपना पिता मानती है, उसको पिता कहती है, और जो सास होती है उसको माता मानती है, उसको माता कहती है। लेकिन यहाँ पर सास बहू के ऐसे रिश्तों को तार तार किया गया। दोस्तों किस तरह का यहाँ पर इन दोनों का संबंध था, किस तरह का ये, इसको आप प्यार कहोगे या हवस कहोगे, दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये प्यार है या हवस है। क्या जो बड़ी बहू है और जो सास है उन दोनों ने सही किया अपने ससुर का गर्दन काट कर उसका वध कर कर, ये सही किया या गलत किया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या जो 23 साल की बहू थी उसको अपने ससुर से प्यार करना चाहिए था, ये गलत था या सही था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर रिश्तों को तार तार किया गया है, रिश्तों को शर्मसार किया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ, किसी नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। दोस्तों एक अपील और है मेरी कि आप लोगों को अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर बजाइए और हमारे चैनल को या हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।